मेड अप ऑफ फिब्रस प्रोटीन, फिब्रस बैंड्स हैं, और उनका काम क्या है, साउंड प्रोड्यूस करना बाय इट्स वाइब्रेशन। जब वोकल कॉर्ड्स में से हवा पास ऑन होगी तो ये वाइब्रेट करेंगे और साउंड प्रोड्यूस होगी। लैरिंक्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ट्रेकिया। ट्रेकिया, व्हाट इज ट्रेकिया? ट्रेकिया इज अ विंड पाइप, ये हवा की एक नाली है, एक पाइप है। इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब एंड इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ सी शेप कार्टिलेज। सी शेप कार्टिलेज, ठीक है, ये कार्टिलेज होती है हमारी नरम हड्डी, सॉफ्ट बोन। सॉफ्ट बोन के बने हुए ये ट्रेकिया जो कि सी शेप नेचर की है। और इनका काम क्या है, ट्रेकिया का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, ये ट्रेकिया को टकराने से बचाते हैं जब इनमें कोई हवा मौजूद नहीं होती। क्लियर हो गया? लैरिंग्स कंटिन्यू टू ट्रेकिया विच इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच लाइज इन फ्रंट ऑफ ओसोफेगस। ओसोफेगस फूड ट्यूब, फूड ट्यूब के फ्रंट पर हमारे ट्रेकिया मौजूद होता है। देयर आर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया की जो वॉल है वो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से बनी हुई है। द कार्टिलेज की द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट, जब इसमें कोई हवा नहीं भी होगी तब भी ये उसको रोकेगा टकराने से। ट्रेकिया के बाद जो ट्रेकिया है वो आगे जाके डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में। जैसे ही ट्रेकिया एंटर होगा चेस्ट कैविटी में तो वो आगे जाके डिवाइड हो जाएगा स्मॉलर ट्यूब्स में, जिनको नाम दिया गया है ब्रोंकाई का। ब्रोंकाई आर स्मॉलर ट्यूब्स इन चेस्ट कैविटी, इट आल्सो हैज कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ब्रोंकाई तक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कार्टिलेजिनस इन नेचर है। ऑन एंटरिंग चेस्ट कैविटी द ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। और सिंगुलर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर सिंगल की बात करेंगे उसको हम ब्रोंकस कहेंगे। द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू लंग्स। अब ब्रोंकाई यानी कि जो ब्रोंकस है हर साइड का, वो आगे जाके एंटर हो रहे हैं लंग्स में, और लंग्स में जाके आगे मजीद स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा, जिनको नाम दिया गया है ब्रोंक्यूल्स का। ब्रोंक्यूल्स का लंग्स में ब्रोंकाई जब एंटर हो जाएगा ये सेवरल फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसको नाम दिया गया है ब्रोंक्यूल्स का। और ब्रोंक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर नहीं है, वो कार्टिलेज से नहीं बना हुआ, ये मोर नैरो है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी तंग सी फाइन ट्यूब्स हैं। अब ब्रोंक्यूल्स में वो आगे जाके एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है मजीद फाइन ट्यूब्स में, जिनको नाम दिया गया है एल्वियोलर डक्ट्स का। एल्वियोलर डक्ट्स, ब्रोंक्यूल्स एंड इन फाइन ट्यूब्स कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स क्या है? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ पाउचिस, जिसे पाउच नहीं होता आपका कोई वॉलेट हो पाउच हो उस तरह का स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलर डक्ट का। हम देखते हैं ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लॉस द कार्टिलेजेस एज दे बिकम नैरो। द ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्स कॉल्ड द एल्वियोलर डक्ट्स। ईच एल्वियोलर डक्ट्स ओपन इनटू क्लस्टर ऑफ पाउचिस कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलर डक्ट्स ओपन हो रहे हैं क्लस्टर ऑफ पाउचिस में, दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई एक्चुअली फंक्शनल यूनिट है, ये रेस्पिरेटरी सरफेस बना रहा है हमारे लंग्स के अंदर, जो गैस एक्सचेंज का तबादला होना है, जो गैसेस का तबादला होना है वो एल्वियोलाई में ही होना है। एल्वियोलाई जो है वो एक्चुअली उसको एल्वियोलस भी कह रहे हैं। एल्वियोलस है क्या? इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, शॉपर की तरह, थैली की तरह का स्ट्रक्चर है। इट इज लाइन बाय सिंगल एपिथेलियल टिश्यूज, ये एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड हुए हुए हैं और इनके बाहर कैपिलरीज का नेटवर्क बिछा हुआ है। अब कैपिलरीज का नेटवर्क क्यों है हम पढ़ते हैं आगे, बिकॉज जो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होना है वो यहीं पर होना है। हाउ द पल्मोनरी आर्टरी फॉर्म द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द लंग्स एंड ब्रांचेस इनटू आर्टरियोल्स एंड देन इनटू कैपिलरीज विच सराउंड द एल्वियोलर
alveoli. These then join together to form venules, which form pulmonary vein. Pulmonary vein carries the oxygenated blood back to the heart. अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने नाइन्थ में पढ़ा था हार्ट सिस्टम, और उस हार्ट सिस्टम में हमने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को देखा था. आर्टरीज बेसिकली जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट एक आर्टरी ऐसी होती है जिसको नाम दिया गया है पल्मोनरी आर्टरी का, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. और जिनके वेन्स होती है जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक वाहिक वेन है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चों. अब होता क्या है, हमारे लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी एंटर हो रही है. कहाँ से एंटर हो रही है, हमारे हार्ट से. और इसमें कौन सा ब्लड मौजूद है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जैसे पल्मोनरी आर्टरी हमारे लंग्स में एंटर होगी, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो आर्टरी आगे जाके डिवाइड होती है मजीद ब्रांचेस में, आर्टरियोल्स में, और आर्टरियोल्स जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगी कैपिलरीज में. कैपिलरीज जो है वो आगे जाके ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगी, वेन्यूज बनाना शुरू कर देंगे, और वेन्यूज जो हैं वो ज्वाइनों के एक बड़ी वेन बना देंगे जिसका नाम है पल्मोनरी वेन. अब पल्मोनरी वेन क्या है, अभी मैंने आपको पीछे पहले बताया, जिसमें कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि हार्ट में मौजूद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी लेकर आई हमारे लंग्स में, और लंग्स में आके उसमें ऑक्सीजनेशन हुई, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन सी वेन वापस हार्ट तक लेके जाएगी, पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन जो है वो वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी हमारे हार्ट में, और इससे हमारी बॉडी से अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई कर दिया जाएगा. होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी. कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.